आज दिनांक 15 अप्रैल 2022 को लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा की 92वीं जयंती पर युवा नेता चंदन कुमार सिंह को जिला परिषद बनने के अवसर पर शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति द्वारा उनको फूल माला और बुके देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वाले आलोक कुमार अग्रवाल, पूर्व मेयर, शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह, समाजसेवी दिलीप कुमार सिन्हा, सुशील कुमार राय, डॉक्टर राजेश कुमार रंजन, राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जीपी सिनानी और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनकी अध्यक्षता में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार वो APSM कॉलेज बरौनी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा की 92वीं जयंती दिवस मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य की दीप को बेगूसराय की धारा पर प्रज्वलित रहने का काम साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार आनंद नारायण शर्मा ने ही की है। वे सुखदेव बाबू से जुड़े हुए थे, उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी, उनके साथ मेरा भी लगाव था। आज के साहित्यकार उन्हें भूलते जा रहे हैं। आनंद नारायण शर्मा का जन्म आज के दिन 1930 ईस्वी को हुआ था। ऐसे महान साहित्यकार शिक्षाविद को सत सत नमन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलोक कुमार अग्रवाल, पूर्व मेयर, ने कहा कि आनंद नारायण शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर ददेशी देदान समिति के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा बेगूसराय जिला साहित्य को जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ऐसे महापुरुष आनंद नारायण शर्मा को सत सत नमन है। इस अवसर पर चंदन कुमार सिंह, जिला परिषद युवा नेता, ने कहा कि डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना उनके जयंती का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे महान पूर्व प्रिंसिपल आनंद नारायण शर्मा जी को उनके जयंती पर सत सत नमन है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनिल शर्मा ने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी आनंद नारायण शर्मा के विचारों पर चलने का प्रयास करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकता हूं। ऐसे महान आत्मा को कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर महिला सेल सचिव सुनीता देवी ने कहा कि आनंद नारायण शर्मा को मेरा सत सत नमन है। इस अवसर पर राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जीपी सिनानी के जिलाध्यक्ष, ने कहा कि आनंद बापू से मेरा व्यक्तिगत लगाव था। ऐसे महान आत्मा को सत सत नमन करता हूं। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश कुमार रंजू ने कहा कि डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य के बिना समाज का सृजन नहीं हो सकता। साहित्य हमारी संस्कृति है, इसे एक क्षण बनाए रखने में डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे महान साहित्यकार शिक्षाविद को सत सत नमन। इस अवसर पर दिलीप कुमार सिन्हा, विकास सर, अधिवक्ता प्रेषी कुमारी, छात्र आंचल कुमारी, खुशी सिंह, अभिषेक पाठक, अनेकों ने उन्हें माल्यार्पण किया। BNP न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। अभी जयंती पर शहीद सुखदेव सिंह समाज समिति में आए हुए तमाम अतिथियों को शहीद सुखदेव सिंह समाज समिति की ओर से शिक्षक दिलीप कुमार सिंह प्रणाम करते हैं। कहते हैं कैसे है साहब, धूप मार रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद बेगूसराय वरुण बिहार में शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इनकी रुचि आने वाले समय में महत्वपूर्ण रूप से याद की जाएगी। समिति की ओर से आज हम लोग डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा, जो बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बहुत ही हिंदी के प्रख्यात विज्ञान प्रख्यात विद्वान, उनकी हम लोग आज वेदांती जयंती मना रहे हैं और मैं उन्हें लगभग 1960 से ही जानता हूँ। वो हम लोग के घर के सामने रहते थे और बराबर उनके यहाँ छात्रों का आना जाना लगा रहता था। उसी समय से मैं जानता हूँ और ख़ासकर जब मैं 1963 में मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने आया था, डीपी स्कूल मेरा बोर्ड था, तो 1963 में उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाया था और जिससे मुझे फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छा मार्क मिला था। मैं उस समय रहता था रांची में, लेकिन मेरे पिताजी का रांची से ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमारा भी मेरे पिताजी ने रांची से बेगूसराय हमारा ट्रांसफ़र बोर्ड करके रख दिया था। वो काफ़ी विद्वान थे और ख़ास करके मैं उन्हें इसलिए भी जानता हूँ कि होली के समय में उनके यहाँ वो सैकड़ों विद्यार्थी को, प्रोफेसर को और जाने माने लोग को बुलाते थे और सबको ठंडाई पिलाते थे और सबको अभी अभी होली मिलन होता था। वो अभी तक हमारे दिमाग में छाया हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि
अमरेंद्र भवन जो है बड़े बड़े महापुरुषों का जयंती मनाते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं। एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि उनका नाम गिनी बुक में आना चाहिए। ठीक है, गिनी बुक में आने के लिए एक चीज़ हम और उन्हें सजेशन देंगे कि खाली हमारे जो हिंदुस्तान में जो महापुरुष हैं उनका ही नहीं वो स्मृति और जयंती मनाएं, बल्कि विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं और जिनसे सबों को एक सीख और ज्ञान मिला है उनका भी ये मनाएंगे तो जरूर उनका नाम गिनी बुक में आए। बेगूसराय के दिनकर हरिवंश राय बच्चन रामवीर बेनीपुरी जो कह लीजिए एक ऊंचाई और उनकी ऊंचाई से आज हम लोग गौरवान्वित हैं। और आज डॉक्टर साहब हम लोग के बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब के पास कहीं जाति वाति नहीं था, किसी पार्टी के नहीं थे, वो समाज के थे और समाज के लिए हर वक्त काम करते थे। डॉक्टर साहब की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम लोग इनके प्रति अगर श्रद्धा निवेदित करते हैं। हमको जाति भूलना पड़ेगा, पार्टी भूलना पड़ेगा और जो सेवा और समर्पण समाज के लिए दिखाते थे उसी भावना से हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित कर सकते हैं। यही डॉक्टर साहब प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि पूरा समाज पूरा बेगूसराय एकजुट होकर के निर्माण के लिए काम करें। डॉक्टर साहब के ऊपर हम प्रति नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।